अमित शाह ने गैर कानूनी बंगलादेशी घुसपैठियों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਆਰਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਐਨਆਰਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਨਆਰਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਸੇ ਆਸਾਮ ਮੇਂ ਸੇ ਆਸਾਮ ਮੇਂ ਸੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਓ ਕੋ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕਰ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ। ममता बनर्जी कहती है एनआरसी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहती है एनआरसी नहीं होना चाहिए। मैं चार दिन से बूमे लगाकर पूछता हूं राहुल बाबा को कि आप बताओ इस देश के अंदर एनआरसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। राहुल जी जवाब नहीं देते हैं। मैं आज पूर्वांचल वासियों को पूछना चाहता हूं, भैया आप सब लोग हजारों की संख्या में उपस्थित है, आप बताइए बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मैं फिर से पूछता हूं, बताइए बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मित्रों, आज इस मुगल सराय की धरती पर से मैं सपा बसपा और कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, तय कर लो आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर रखना चाहते हो या निकालना चाहते हो? और मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता का जवाब मुझे मालूम है, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश में रखना नहीं चाहिए।